हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ इडली और नारियल की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल सब घरों में है तो मार्केट का खाना तो बहुत ही मिस कर रहे होंगे, इसलिए मार्केट जैसा इडली और मूंगफली नारियल की चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इडली बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम दही, इस कप से 2 कप रवा यानी कि सूजी, 1 कप चने की दाल, 200 ग्राम मूंगफली कच्चे मूंगफली के दाने हैं, 6 से 7 लाल मिर्च है और 6 से 7 लहसुन के कली, स्वाद अनुसार नमक, 1 स्पून सरसों के दाना। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे, उसमें सूजी ऐड करेंगे यानी कि रवा। तो यहाँ पे मैं इस बॉल से 2 कटोरी ले रही हूँ रवा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही, उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और यहाँ पे आप एक बात नोट कर रही होंगी कि मैं यहाँ पे पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दही में ही फेंटना है। और यहाँ पे दही पे फेंटने के बाद हम इसे रख देते हैं। इसके बाद हम तड़का लगा करके तैयार करेंगे। प्लेन इडली की रेसिपी मैंने पहले भी दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैं मार्केट जैसा फ्लेवर देने के लिए इसमें तड़का फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम चने दाल के तड़का लगा करके तैयार कर लेते हैं। तब तक के लिए हम इसे ढक देते हैं। अब यहाँ पे गैस ऑन करें, एक पैन रखें और यहाँ पे हम सरसों का ऑयल डालेंगे 1 स्पून। ऑयल गर्म होने पे 1 स्पून हम राई डाल देंगे, इसे अच्छी तरह चटकने देंगे। आप इस तरह से सिक्योर करने के लिए थोड़ा प्लेट भी डाल सकते हैं ताकि उसे छींटे ना पड़े। यहाँ पे ऐड कर देंगे चने की दाल। अब चने को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हमने जो सूजी और दही को मिक्स करके रखा है उसमें ये तड़का हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम 2 स्पून तड़का, ये जो भुना हुआ तड़का है, उसे हम अलग कटोरी में निकाल कर रख देंगे क्योंकि हमें चटनी के लिए चाहिए। तो हम वो तड़के को हम चटनी में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम थिक बैटर तैयार करेंगे। तो इससे पहले हम स्पून की सहायता से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना लगे, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी और लगेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे तड़का इसलिए लगाया है क्योंकि तड़के के साथ हम इडली बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर लगता है। तो यहाँ पे देखिए घोल गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर दें। यहाँ पे 1 स्पून खाने का सोडा ऐड करें। अगर सोडा नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो, अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है तो आप यहाँ पे 1 स्पून मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है, उसे ऐड कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए इस कंसिस्टेंसी में बैटर चाहिए, तो इस बैटर को हम ढक कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए। तब तक सूजी यानी कि बैटर फूल करके तैयार होता है, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मूंगफली और नारियल की चटनी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम मूंगफली और 5-6 लहसुन की कली और 6 से 7 लाल मिर्च, आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए मूंगफली को रोस्ट होने में सिर्फ 3 मिनट लगा है। रोस्ट करने के बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो हाथ की सहायता से इस तरह से हम मूंगफली के सारे छिलक निकाल लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे भुना हुआ मूंगफली, और साथ ही में डाल देंगे ये जो रोस्ट किया था लहसुन। अगर लाल मिर्च नहीं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये तड़के वाली दाल भी ऐड कर दें। साथ में ऐड करेंगे नारियल, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे कच्चा नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल जो गोला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम चटनी को पीस लेते हैं। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चटनी जो है वो दरदरी है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे दोबारा से पीस लेंगे। तो दोबारा पीसने के बाद इसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए चटनी बन करके रेडी है। यहाँ पे हल्का दरदरा है क्योंकि बिल्कुल मार्केट जैसा मूंगफली और नारियल की चटनी बन करके तैयार है। तो इसे अब हम बड़े बोल में निकालेंगे। चटनी में हम मार्केट जैसा फ्लेवर देंगे, उसके लिए हम तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले गैस ऑन करें और तड़का पैन रखें। तड़का पैन में हम यहाँ पे 1 स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे, इसे अच्छे से गर्म होने दें।
सरसों के तेल में तड़का लगा रहे हैं तो इसे अच्छे से गर्म होने देना है। और तेल गर्म हो जाए तो सरसों के दाने डालें एक स्पून, इसमें 3-4 लाल मिर्च ऐड कर देंगे। जब सरसों और लाल मिर्च जल जाए और चटक जाए अच्छे से तो गैस ऑफ कर दें और इसे चटनी के ऊपर डालकर मिक्स कर दें ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और ढक कर के अलग रख देंगे। तो यहाँ पे चटनी को बनने में 2 से 3 मिनट लगा है और इधर बैटर भी बन करके तैयार है, तो चटनी को अलग रख देंगे। अब हम चलते हैं इडली बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है कुकर, और इससे हम इस तरह से नाप कर देख लेंगे कि इडली स्टैंड इस कुकर में आ रहा है या नहीं। या अगर नहीं आ रहा है तो फिर इडली स्टैंड के हिसाब से आप बर्तन छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे पानी हम ऐड कर रहे हैं सिर्फ 1.5 इंच, वह इसलिए क्योंकि अगर पानी बॉयल होगा तो फिर इडली के ऊपर आ जाएगा तो वो अच्छे से फूल नहीं पाएगा। यहाँ पे देखिए अब इडली का बैटर हम देख लेते हैं, यहाँ बिल्कुल फूल करके स्मूथ बैटर तैयार है। तो चलिए अब इडली बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। इडली तो भाप से बनता है, तो उसके लिए अब जो मैंने कुकर लिया था उसमें 1.5 इंच पानी लिया है, इस फिंगर से आप नाप सकते हैं 1.5 इंच। तो उसे हम गैस ऑन कर देंगे और बॉयल होने के लिए रख देते हैं। जब तक बॉयल होता है तब तक हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है इडली बनाने के लिए इडली स्टैंड, तो इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल लगा लेंगे ताकि जो इडली है वो चिपके ना। तो अगर ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हाथ की सहायता से भी ऑयल ग्रीस कर सकते हैं। इडली की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं, पर उसमें मैंने मार्केट का जो पैकेट आता है ना उससे बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैं सिर्फ घर के ही सामग्री से इडली बनाना बता रही हूँ। इडली के सांचे में यहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर इडली आसानी से नहीं निकल पाएगी, तो चिपक जाएगी, तो खराब हो सकती है। इडली को पूरा नहीं भरेंगे, अगर पूरा भर देंगे तो फिर वो गिर सकता है और इडली खराब हो सकती है। इसी तरह से हम सारे सांचे में इडली का बैटर भर करके हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इडली के साथ में चटनी बनाया है, आप चाहे तो सांभर भी बना सकते हैं, पर सांभर बनाने में तो टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट में इडली और नारियल की चटनी बना करके रेडी किया है। यहाँ पे देखिए स्टैंड में, सारे स्टैंड में हमने इडली का बैटर भर करके तैयार कर दिया है। इस तरह से हम ऊपर पूरा ये ढक्कन लगा देंगे ताकि जो इडली स्टैंड है वो हिले ना। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, तो इस तरह से हम सावधानी पूर्वक इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रहे कुकर का ढक्कन लगाते समय हम सीटी और कुकर का रबर निकाल देंगे। तो यहाँ पे अब हम 10 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो अभी देखिए 10 मिनट पूरा हो चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं जो इडली है वो पका है या नहीं। तो यहाँ पे मैं टूथपिक की सहायता से चेक कर रही हूँ, तो इसे टूथपिक को हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल साफ आ रहा है, तो इसका मतलब जो कि है इडली पक चुका है। तो आप इसे सावधानी से कुकर से अलग निकाल दें, थोड़ा तो ठंडा हो जाए तो आराम से निकालें क्योंकि ये गर्म होता है। तो इसे हम एक एक करके अलग अलग रख देंगे। 10 मिनट बाद आप इडली को अगर चेक कर रहे हैं तो टूथपिक अगर साफ़ नहीं आ रहा, उसमें चिपक रहा है, तो इसका मतलब कि इडली है वो अच्छे से स्टीम नहीं हुआ है। तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए और स्टीम कर दें। तो हमने सारे स्टैंड को अलग अलग रख दिया है। अब इसे हम स्पून की सहायता से चारों तरफ से स्क्रैच करते हुए इडली को निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फूला फूला इडली और कितना आसानी से निकल रहा है। तो देखा आपने कितना ईजी है ना मार्केट जैसा बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी इडली बनाना। तो चलिए चटनी तो हमने बना करके रेडी ही कर लिया था, अब इडली भी बन करके तैयार है। तो इसे अब हम मूंगफली और नारियल की चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा इडली और चटनी बन करके रेडी है, तो आप भी इसे बनाइए अपने घर पे और इन्जॉय करिए। बस इडली को स्टीम करते समय एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप कुकर में स्टीम कर रहे हैं तो कुकर का ढक्कन लगाते समय आप कुकर का रबर और सीटी निकाल लें तभी ढक्कन को बंद करें, और अगर कढ़ाई में स्टीम कर रहे हैं तो ऐसे ढक्कन को ढक के जिससे कि भाप बाहर ना पाए। तो आप भी इसे बनाइए और अपने घर पे खाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।